सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल साइबर जोन के पोर्टल में कौन कौन सी सर्विस मिलेंगी और कौन सी सर्विस आपको कब यूज़ करनी है, कितना चार्जेस है, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सबका हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी कोई नई वीडियोज़ को हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रह पाए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम डालें तो उसको आप देख सके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल साइबर जोन डॉट कॉम, जो कि हमने बताया कि हमारा खुद का पोर्टल है, किसी भी थर्ड पार्टी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ये हमारा खुद का वेबसाइट है, पर्सनली वेबसाइट है, इसके अंदर किसी भी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूज़र बैलेंस जो यूज़ हुआ है वो 30,139 रुपये हमने अब तक इसके अंदर यूज़ कर लिए हैं। जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने इस पर काम कर करके इतना बैलेंस यूज़ किया है। और यहाँ पर अगर आप हमारे मेंबर की बात करें तो अभी हमारे पास 45 रिटेलर मौजूद हैं, 17 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 10 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हालांकि इसका हमने कोई भी वीडियो नहीं दिया था, जो है इसके अंदर क्या क्या सर्विस है उस पर कोई भी वीडियोस नहीं दी थी, फिर भी हमारे जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे से। तो अभी इसका अब वीडियो आना स्टार्ट हो गया है, पर डे एक दो वीडियो आता रहेगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी। हो सकता है अभी कोई चीज़ हम सही से आपको ना समझा पा रहे हों, क्योंकि ये भी नया पोर्टल है, नई सर्विस आ रही है तो इसमें हमें भी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको हो सकता है इतनी अच्छे से ना समझा पाएँ, बट फिर भी आपको कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा गाइड कर सके। फिर जब ये पोर्टल कंप्लीट होगा फिर आपको ट्यूटोरियल देंगे पूरा एक्सेस करके, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा, जो भी इस पोर्टल को लेने का जो एक्सचेंज होगा, वो सारा कुछ आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पर आपने ये देख लिया मेंबर्स का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर्विसेज की। तो सबसे पहला जो हमने बताया था कि इसके अंदर NSDL का आपको जो है पैन सेंटर मिलता है, जहाँ से आप NSDL द्वारा पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसेस हमने पहले बता दिया है तो उस टॉपिक पर बात नहीं करने वाले। जो हमारी मैन सर्विस हैं वो है इलिस्टिक और जो भी अदर सर्विस हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इलिस्टिक सर्विस में देख लेते हैं कि हमारे इस पोर्टल पे क्या क्या आपको मिलेगा इलिस्टिक सर्विस के रिलेटेड। तो इलिस्टिक सर्विसेज में अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सर्विस दी गई हैं। अब कई सारे लोग कमेंट और मैसेज करते हैं कि ये सर्विस तो सिर्फ दिखाई जाती है बट काम नहीं करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको दिखाएँगे। जैसा कि अगर हम बात करें डिजिटल खतौनी की, तो कई सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि डिजिटल खतौनी काम नहीं करती है। तो अगर आप हमारे पोर्टल को परचेज़ करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो डिजिटल खतौनी का जो ऑप्शन है, जो लिंक है, वो ओपन होगा और काम भी करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में इसके अलावा जो इसका वर्क है, कैसे इसमें डिजिटल खतौनी आपको करनी है, वो भी हम आपको प्रोसेस बताएंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप डिजिटल खतौनी का फॉर्म ओपन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर विकलांग सर्टिफिकेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन। अभी इस पोर्टल पे काम चल रहा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत फॉर्म में मिस्टेकिंग हो, तो उसको सही किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी लिंक प्रॉपर ओपन हो रहा है। इसके अलावा आप अगर देखें तो यहाँ पर परिवार रजिस्टर नकल का जो भी फॉर्म है वो भी एक्टिवेट है, UP पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो भी एक्टिवेट है। सारा कुछ आपको दिखाएंगे, जैसा कि अभी हम परिवार रजिस्टर नकल पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे परिवार रजिस्टर नकल का भी फॉर्म हमारे इस वेबसाइट पे काम कर रहा है, जो कि आप अगर चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी है, अभी यहाँ पर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको अगर हम बात करें UP पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे काम कर रहा है, उसको भी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं ताकि आपको भी इस पर बिलीव हो और आप इसको ले सकें। तो यहाँ पर हम UP पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी ओपन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अभी चार्जेस जो है बहुत कम मेंशन किए गए हैं, बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं। तो अभी बहुत सारा कुछ अपडेट होना है क्योंकि पोर्टल पे भी काम चल रहा है, बहुत सारी सर्विसेज आएंगी। जैसा कि हमने बताया था APS, मनी ट्रांसफ़र, बिजली बिल रिचार्ज, सारा कुछ हमारी वेबसाइट पे आएगा। सारा कुछ अपडेटिंग चल रहा है, काम चल रहा है, जो भी पेमेंट वेमेंट है सारा कुछ जो है डन है, जो भी है तो सारा काम चल रहा है, प्रोसेस आगे फॉलो है। तो जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसी फरवरी बीतते बीतते आपको ये पोर्टल कंप्लीट करा दें। इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों का वीडियो भी बहुत डाउन आ रहा है, आप लोगों के कमेंट जब आते हैं कि वीडियो नहीं आ रहा है आपका, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए थोड़ा वीडियो जो नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राशन कार्ड के लिए, तो UP राशन कार्ड पर जाएंगे तो ये भी फॉर्म पूरी तरीके से समझ लीजिए सही हो चुका है।
तो आप देख सकते हैं फॉर्म यहाँ पर न्यू करेक्शन दोनों कर सकते हैं। अगर आप न्यू करना चाहते हैं न्यू पर क्लिक करेंगे, करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन पर क्लिक करेंगे। पूरा फॉर्म बिल्कुल जो है सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जितना भी सर्विस है सारा कुछ आपको मिलेगा, हमने अपने वीडियो में कई वीडियो में ट्यूटोरियल दिया है, इसका बताया है। अब आने वाली जितना भी वीडियो होगा सब कुछ आपको बताया जाएगा, डेट बर्थ सारा कुछ आपको हमारी इस वेबसाइट पे मिलेगा, सहज इनकम सर्टिफिकेट। और अदर अगर आप बिना सहज वाला ऑनलाइन वाला चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सारा कुछ हमारी वेबसाइट पे मेंशन किया गया है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये कुछ लिंक हैं जैसा कि यहाँ से ये चार लिंक अभी नहीं ओपन हो रही हैं, किसी रीज़न से भी इस पर काम चल रहा है तो हो सकता है ना ओपन हो। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, जो है सारी सर्विस लाइव होंगी, सारा कुछ आपको मिलेगा इस पोर्टल के अंदर। और भी बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर हम यूपी गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं तो बहुत सारी सर्विस आपको इसके अंदर मिलेंगी, जो कि आप काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत आसान तरीके के इसमें फॉर्म दिए गए हैं, कोई भी ज़्यादा फॉर्म हैवी नहीं दिया गया है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके के अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके का अगर पोर्टल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। digitalcyberjoin.com हमारे पोर्टल का लिंक है। अगर आप इस पोर्टल को परचेज करना चाहते हैं, इसका आईडी लेना चाहते हैं तो आप आसान तरीके से ले सकते हैं, कोई भी ज़्यादा झमेले करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 10 से 5 मिनट के अंदर आपको इसका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप इसके मेम्बर बन जाएंगे। मेम्बर बनने के बाद आप इस पर अपना सारा वर्क कर सकते हैं, सारी सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। सो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि इस तरीके की जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच जाए और आप भी कुछ सीख सकें। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।